हेलो गुड आफ्टरनून, मैं हूँ रॉकस्टार आयुष और म्यूजिक है दिल का सुकून। भाई आज मेरे दिल का सुकून दो गुना बढ़ गया है क्योंकि मेरे पास दो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं स्टूडियो में। एक बहुत बेहतरीन रैप करते हैं और दूसरा मेरा भाई बहुत बढ़िया बीट बॉक्स करता है। हाय गाइस, क्या हाल है? नील हियर, नील बीट बॉक्स, और मेरे साथ है MC NRS। तो भाइयों, आप दोनों का वेलकम है। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हिप हॉप एक्चुअली में है क्या? हिप हॉप के मेजर मिसकंसेप्शन है, ये तो लोगों की सोच है कि गाड़ियां, लड़कियां, डिस, पर हिप हॉप वो नहीं है। हिप हॉप इज योर क्रिएटिविटी, हिप हॉप इज अ कल्चर, हिप हॉप इज अ लाइफस्टाइल। इसके जो है सात एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज बीट बॉक्सिंग, रैप, देयर इज ग्रेफिटी, डीजेइंग, ब्रेकिंग, देन देयर इज स्ट्रीट नॉलेज एंड स्ट्रीट वेयर फैशन, एंट्रप्रेन्योरियलिज्म, वो सब इसमें आ जाता है। आप मतलब दिस इसको कल्चर को रिलेट ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। आई मीन इट्स मोर ऑफ डूइंग व्हाट यू लाइक एंड पुटिंग योर हार्ट इनटू योर म्यूजिक। NRS, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हिप हॉप के लिरिक्स कैसे लिखा करते हैं? तो मैं लिखता हूँ हिंदी में और मारवाड़ी में बेसिकली, तो सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है लिखने का। तो पहले तो मैं, अगर कोई टॉपिक है तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके और उसका एक टाइमलाइन बनाता हूँ कि शुरू में लाइक इंट्रो पार्ट में क्या होगा, मिड में क्या होगा, आउटरो कैसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक बार्स या तो पहले लिख लेता हूँ कि ये लाइन जो है ये पंच लाइन है, जैसे बार्स मतलब पंच लाइन हो गया, तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद में उनको अपने गाने में पर्टिकुलर जगह पे फिट कर देता हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट पहले वर्ड से लिखना शुरू किया और वो गाना पूरा खत्म भी हो जाता है कभी कभी। तो वो सबका एक स्टाइल है। और बेसिकली सबसे इजी जो मेरे को लगता है कि आपको जो भी दिमाग में आ रहा है वो एक बार आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स नोट डाउन कर लो। सबसे इजी स्टेप जो है अगर आपको रैप लिखना है तो राइमिंग वर्ड्स को आपने नोट डाउन कर लिया और उसके बाद में अपने लाइंस बना बना के बार्स के अकॉर्डिंग, और आप अपना रैप कंप्लीट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है, हमारे लिसनर्स को। अभी तक मैं भी सोचता था कि यही सारी चीजें हिप हॉप में होती है, बट आज द्वार खुल गए मेरे। आप दोनों को मैं बता दूं, मेरे शो तड़का जैम स्टूडियो में गाना कारखाना एक सेगमेंट है, उसके लिए मैं बड़ा उत्सुक रहता हूं कि मेरे आर्टिस्ट जितने भी आए यहां पे मुझे अपनी कहानी बताएं। तो आपका जो लास्ट गाना आप लोगों ने किया है उसकी कहानी हमारे लिसनर्स को बताइए जरा। अभी आने वाला तो अभी लाइक जो राजस्थान पॉप साइफर मूवमेंट है उन्हें, उसी का एक साइफर आ रहा है, डेजर्ट ट्रिप साइफर। तो उसमें 5 आर्टिस्ट है और वो प्रोड्यूस किया है फ्लेम बॉय, जो इंडियन हिप हॉप सीन में काफी अच्छा नाम है, तो उनके साथ में ट्रैक आ रहा है। तो उसमें मेरा जो वर्स लिखा है तो वो उसी चीज के बारे में है कि पिछले एक साल में जो मैंने राजस्थान हिप हॉप सीन में जितना भी काम किया है, साइफर से लेके, शोज से लेके, कम्युनिटी बिल्डअप से लेके, तो उसके बारे में है। तो जो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर काइंड ऑफ इससे खुश नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ बातें हैं कि ये सबको नहीं दिखती ये चीजें, यूनिटी और ये सब की जो कलर्स नहीं दिखते हैं। तो वो हर एक चीज के बारे में इस गाने के अंदर बातें हैं, और मेरे आर्टिस्ट जो भी हैं साथ में काम कर रहे हैं उनके लिए शाउट आउट्स हैं, और ऐसा कुछ है इस गाने में जो आपको इसी महीने के एंड तक सुनने को मिल जाएगा। तो यार, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, आई एम श्योर लिसनर्स को भी बहुत मजा आया होगा, लेकिन आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता रैप हो जाए। और हाँ, नील भाई बीटबॉक्स भी मेरा बहुत फेवरेट रैप है, ये जो पूरा राजस्थान का, अगर हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम है तो हम पूरे राजस्थान का एक ट्रिप करते हैं, तो वो कुछ ऐसे राम राम सा आवो जी पधारो मारे देश, हर एक शहर या बात अलग और अलग अलग भेस, पीला पीला दोरा चल कर जैया सोना रोको ढेर, देखो उदयपुर जिला लग लंडन रोको शहर, महादेव जी कोटा दरगाह शरीफ अजमेर, पुष्कर तीरथ आवो झुंडी महिमा चारू मेर देखो गुंजे, मीरा रो गुणगान काना की दीवानी होगी, देखो काना के ही नाम, खेजड़ी बचाबा खातर अमृता पेड़ से लिपटगी, सम्मान बचाबा खातर पद्म ने दे दिया खुद का प्राण, कुंभा अर प्रताप रो ओह जन्म स्थान, मातृभूमि रक्षा खातर हो गया खुद कुर्बान, चेतक कर चित्तौड़ पसारा जग में है अभिमान, अशूर वीरारी है धरती की, कीरो करू वखान की, कीरो करू वखान की, कीरो करू वखान, एक लिंग जी उदयपुर रणथंबोर गणपति ने पूजा, सरिस्का सुर रणथंबोर शेरारी दहाड़ा गुंजा, जयपुरी आमेर भवानी जोधाणी मंडोर, बीकानेरी करनी माता प्रसिद्ध चारू और, साला सर्रा बाला जी और खाटू वाला श्याम, जयपुर गढ़ गणेश भरतपुर लक्ष्मण जीरो धाम, गोगा बाबू ते जोधा दो जम्बो जी रीवाणी, रामदेव रे लीला आकिन चू है अनजानी, सीमा की सुरक्षा हो वह जोधपुर अय्या बेस, सरंगीलो राजस्थान कम को नी विदेश, राम राम से आवो जी पधारो मारे देश, केसरिया बाला मावो नी पधारो मारे देश।
क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, लविंग इट, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों का इंटरव्यू करके, मुझे मजा आया और मुझे पता है कि लिसनर्स को भी मजा आया होगा। आप लोग मुझे सुनते रहिए FM तड़का पर। तड़का जैम स्टूडियो लेकर आता हूँ मैं मंडे टू सैटरडे 2 to 4, कंट्रीज वन एंड ओनली म्यूजिकल शो विद रॉकस्टार आयुष।